बिना मैम आप रोशन रोही को दामाद मानते हैं, क्या लगता है कि रोशन को एक ही बात से प्रॉब्लम होती थी कि वो लगातार 5-5 मिनट में फोन करती थी, जिन चीजों से उसको दिक्कत होती थी अपने करियर में, झगड़े का कारण मेन वही था। तो अब ये मानी है कि वो अच्छे से रहेगी, घर में रहेगी। रोशन ने क्या क्या शर्तें रखी? और फाइनली उसका जो करियर है, मतलब उसे अपने इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, यही शर्त है। किसको छोड़ना होगा? किरण को छोड़ना होगा। मीडिया में ये रहे। इसके रोशन ने क्या कहा अंदर? एक साथ दोनों रहेंगे आज से। बॉन्ड में क्या बनाया है? बॉन्ड में बना है कि 2 महीने बाद इन लोगों की शादी होगी। फिलहाल और साथ में लड़की जा रही है कि नहीं? रोशन रोई के साथ, रोशन रोई के साथ ही। पीछे देखिए ना, लड़की जा रही है, लड़की पीछे साथ में आ रही है, आ रही है। मैम बहुत मेहनत हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, पूरी टीम मेरी सुबह से। हां मिठाई खाए मैम, मिठाई खाए, मिठाई खाए। मैम आप कुछ नहीं खाएंगे? मैम क्या क्या बातें हुई अंदर? कुछ तो बस कॉम्प्रोमाइज हो गया है। शिवनंदन भारती जी की मेहनत थी, उन्होंने करवाई और कॉम्प्रोमाइज करा दिया। हमारी टीम की भी पहल थी, इसमें कोई शक नहीं है, और कॉम्प्रोमाइज हुआ है। 2 महीने के बाद ये लोग शादी करेंगे, ब्लेसिंग करें कि वो लोग अच्छे जीवन में आ जाए। पेपर में बॉन्ड बन के जा रहे हैं, लड़की साथ में लेकर जा रहे हैं और रखेंगे साथ में, अच्छा से कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे। उन्होंने सब पेपर कर लिख दिया। बिना मैम आप रोशन रोही को दामाद मानते हैं, क्या लगता है कि दामाद है? मानते नहीं है, दामाद है। किरण महिला विकास मंच को मायके बोल रही है तो हमारी निगाह रहेगी लड़की सुख संपन्न। मतलब किरण की माँ बाप नहीं है तो आप लोग माँ बाप की रोल निभाते हैं? ये महिला विकास मंच की टीमें हैं जो सफलता पाई है रोशन रोही किरण सिंह मामले में। हाँ फिलहाल एक स्टेप दिया गया है बच्चों को कि आप दोनों साथ में जैसे रह रहे थे रहिए, और बच्चा जो है बच्ची को लेके जा रहा है साथ में जैसे रह रहा था रहेंगे। सफलता पाई है महिला विकास मंच, शादी होगी तभी सफलता मानेंगे, अभी फिलहाल हम सफलता नहीं मान रहे। रोशन ने क्या कहा अंदर? रोशन ने कहा कि मेरे मुताबिक रहेगी तो डेफिनेटली रहना ही चाहिए, अगर वो प्रेम पूर्वक इसने भी एग्री किया कि हाँ मैं आपके मुताबिक। रोशन ने क्या क्या शर्तें रखी? और फाइनली उसका जो करियर है, मतलब उसे अपने इस इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, यही शर्त है। किसको छोड़ना होगा? किरण को छोड़ना होगा। मीडिया में ये रहे, इसके अलावा कोई शर्त नहीं रखी। इंडस्ट्री किसको छोड़ना पड़ेगा? किरण को। किरण और किरण ने क्या शर्त रखी? अभी आप किरण नहीं कोई हुआ है 2 महीने का, किरण को मान लिया। शादी जब तक नहीं हो जाती है तब तक तो इसको टेम्पररी रिश्ता ही बोलेंगे ना, शादी हो जाएगी तो फिर परमानेंट हो जाएगा। दोनों का बॉन्ड भी लिखा है ना? स्टैंप जी फिलहाल हमारे बॉन्ड, हमने पॉइंट लिखा है उसमें। क्या क्या पॉइंटर्स हैं बता दीजिए ना, एक सेकंड चुप रहिए, बताने दीजिए। कोई मेजर पॉइंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के मुताबिक रहेंगे, दोनों एक दूसरे से इज्जतपूर्ण व्यवहार करेंगे, और साथ ही साथ किरण जो है अपने करियर में को छोड़ना पड़ेगा। रोशन को एक ही बात से प्रॉब्लम होती थी कि वो लगातार 5-5 मिनट में फोन करती थी, जिन चीजों से उसको दिक्कत होती थी अपने करियर में, इरिटेशन होता था, झगड़े का कारण मेन वही था। तो अब ये मानी है कि वो अच्छे से रहेगी, घर में रहेगी। दोनों में किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसमें दोनों ही कानूनी कार्रवाई के भागीदारी। अच्छा आपने कहा कि 2 महीना का टाइम मांगा है, तो रोशन क्या अभी से किरण के साथ 2 महीना रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? साथ में रहेंगे, लेके जा रहे हैं भाई, देखो ना।